तो पार्टी शुरू हुई है। चार बोतल वोडका दोस्तों, आप भी ऐसा वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। दोस्तों अगर आपको काइन मास्टर बिल्कुल भी चलाना नहीं आता तो भी आप नो टेंशन रहिए, मैं आपको इजी तरीके में बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो को आप पूरा देखिएगा, नहीं तो आप कुछ भी अगर पार्ट मिस करोगे तो आप वीडियो क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की स्क्रीन पर। बट दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक कर दो। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपको काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद में 9:6 रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आपको एडिटिंग में आना है और इसकी जो ड्यूरेशन है उसको 1 सेकेंड कर लेना है और यहाँ पे आपको फिल स्क्रीन कर देना है और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद में आपको अपनी 11 पिक्स को लेना है, 11 पिक्स फोटो को ले लेना है। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने 11 फोटोज़ को ले ली है। फिर इसके बाद में आपको इसकी लेंथ को थोड़ा बड़ा कर देना ताकि एडिटिंग करने में हमें आसानी हो सके। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है और एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो की लिंक मैंने दे रखी है उसको वहाँ पर जाके आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। जब आप उसे डाउनलोड कर लो तो फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर लाना है उसको, और लाने के बाद में इसको फुल टू स्क्रीन कर लेना है और यहाँ पे उस ग्रीन स्क्रीन वीडियो पे क्लिक कर आपको क्रोमा की के ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसको ऑन कर देना है और इसको थोड़ा एडजस्ट कर देना है आपके हिसाब से। फिर इसके बाद में ऐसे सेलेक्ट कर लेना है तो आप देखोगे कि तो ये फोटोज के हिसाब से सेम होने लगा है और ये सेट हो चुका है इसके ऊपर। तो आपको इसी तरीके से करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर इसके बाद में आपको ये जो लास्ट की पिक्चर है हैप्पी न्यू ईयर का जो नाम आ रहा है उसके बाद में इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि पूरा नाम कवर हो सके इसका। यहाँ तक कर देना है इसको। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि ये नाम कब कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है। तो ये नाम यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे स्प्लिट कर देंगे, सीजर में जाना है और यहाँ से स्प्लिट कर देंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको यहाँ पे लेयर में जाना है और स्टिकर में जाना है और यहाँ पे फायरवर्क्स का पार्टी का जो स्टिकर है उसे गेट मोर में जाके आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे डाउनलोड है अभी और आपको ये वाला जो इफेक्ट है ये वाला आपको ले लेना है। फिर इसके बाद में यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा आगे आएंगे तो ये इफेक्ट शो होने लग जाएगा। इसके बाद में इस इफेक्ट को आप डुप्लीकेट करना है। फिर इसके बाद में जो डुप्लीकेट हुआ उसको आपको रोटेट में जाना है और इसको मिरर कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा, तो आपको इसे आपके हिसाब से सेट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से आ चुका है। फिर ये जो जैसे ही सॉन्ग चलता है हमें अपनी 5 पिक्स को और लेना है। तो हम सॉन्ग जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर हम आपको दोस्तों अपनी 5 पिक्स को ले लेना। ठीक है, तो आपको मीडिया में जाना है और आपकी जो भी 5 फोटोज़ है उनको ले लेना है। ठीक है दोस्तों, और फोटोज़ लेने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है और एडिटिंग में आना है और आपको यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन को 4 सेकेंड या 5 सेकेंड कर लेना है। 5 सेकेंड कर देना आपको दोस्तों, 5 या 4 कर लेते हैं चलो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर आपको यहाँ पे 5 से 6 फोटो को ले लिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और इफेक्ट में आना है और यहाँ पे क्लिक करना है और ये कवर वाला इफेक्ट ले लेना है। सब में ऐसा ही करना है आपको। तो आपको इसी तरीके से सेट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने सेट किया इसको। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, अब दोस्तों आपका मेन काम है आपको जितनी भी आपने फ़ोटो ली इन सब फोटोज़ के आपको विग्नेट को ऑन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे फोटोज़ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है विग्नेट, तो आपको यहाँ पे सारी फ़ोटोज़ के विग्नेट को ऑन कर देता है। तो मैं कर लेता हूँ आपको।
आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ से आपको एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लेना है, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। उस टेम्पलेट को डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ पे लाना है, उसके बाद में इसको फुल टू स्क्रीन कर देना है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में आपको यहाँ से इसके टेम्पलेट पे क्लिक करके ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाना है आपको, और यहाँ से इसको स्क्रीन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पे फिर से लेयर में जाना है। मीडिया में जाने के बाद में आपको एक इफेक्ट की लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो उसको भी मैं ले लेता हूँ, और उसको आपको यहाँ पे सेट करना है, और इसको भी आप ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन करना है आपको, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में आपको मैं आपको एक PNG की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, इसको फुल स्क्रीन करना है, इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसके बाद में इसको नीचे लाना है, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसको फुल वीडियो तक कर लेना आपको, इसकी ड्यूरेशन को। अब देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो वीडियो है वो क्रिएट हो चुका है, तो आप इसको यहाँ से ओपन देख सकते हो दोस्तों, ये वीडियो क्रिएट हो चुका है। फिर इसके बाद में हमें यहाँ से शेयर के बटन पे जाना है, और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको और भी ऐसे वीडियो लाऊं और इजी तरीके में आपको बनाना सिखाऊं। तो दोस्तों, फिर से एक बार बोल देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो पर।